हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो एसके। आज हम एक और योग के बारे में बात करेंगे जो गॉडेस लक्ष्मी के ऊपर है और इसका नाम है लक्ष्मी योग। तो लक्ष्मी योग जिसकी भी कुंडली में होता है उसको वो सारे टाइप की वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और लग्जरीज प्रदान करता है। तो ये जो योग है इसमें शुक्र का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुक्र, जैसे आप जानते हो, ये कारक है व्हीकल्स का, लग्जरी का और जो भी वेल्थ रिलेटेड लग्जरीज आती हैं वो इसी के कारण आती हैं। तो इस योग में नाइन्थ हाउस का भी रोल है। आप जैसे जानते हैं कि ये त्रिकोण के हाउस 159 हाउसेस ये हैं लक्ष्मी स्थान, और उसमें से नाइन्थ हाउस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट माना गया है त्रिकोण हाउस में। और ये एक लक्ष्मी स्थान है जो लक का भी स्थान है। तो एक्चुअल लक्ष्मी योग बनता कैसे है, तो इसमें नाइन्थ लॉर्ड और वीनस दोनों अगर एग्जॉल्टेड हों या अपने ही साइन में हों और एंगल या ट्राइन में हों तो ये लक्ष्मी योग बनता है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं बिल गेट्स की कुंडली में भी ये लक्ष्मी योग बन रहा है और उनको इतने इससे बहुत वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी मिली है। तो अब देखते हैं इनकी कुंडली में ये योग कैसे बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं नाइन्थ हाउस लॉर्ड यहाँ सैटर्न है। सो नाइन्थ हाउस लॉर्ड सैटर्न चला गया है फिफ्थ हाउस में और एग्जॉल्टेड है, साथ में उसके वीनस बैठा है। तो वीनस भी अपनी ही राशि में है, लिब्रा राशि में है। सो ये एक केस बना लक्ष्मी योग का। अब एक क्लासिक्स में और भी एक योग लक्ष्मी योग को एक और डेफिनेशन भी है। वो डेफिनेशन ये है कि नाइन्थ लॉर्ड या तो एग्जॉल्टेड हो या अपनी राशि में और एंगल में हो या ट्राइन में हो। दूसरा कंडीशन इसमें ये है कि लगन का मालिक वो स्ट्रांग हो। तो ये डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन है लक्ष्मी स्थान की। तो आई होप आपको ये लक्ष्मी योग के बारे में पूरी समझ आ गई होगी। आप भी अपनी चार्ट्स में देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक सरस्वती योग के बारे में भी डिस्कस करूँगा।